नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो में मैं वही सस्पेंस खत्म करूंगा जो कल के वीडियो में बताया था मैंने, कौन सी आपको जीके की बुक पढ़नी है। लेकिन ये वीडियो भी आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि उस किताब का नाम क्या है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि वहां तक मैं पहुंचा कैसे, और ये आपको सुनना है, क्योंकि जो मेरा रिसर्च है वो आप सुनिए कि मैं वहां तक कैसे पहुंचा। और ये आपको कोई भी यूट्यूब पे दूसरा आदमी नहीं बताएगा, ये मुझे लगता है कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और जो किताब मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड किताब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 80% लोगों को नहीं पता होगा कि वो ऐसी किताब भी कोई है। मेरा क्या है कि मैं अपडेट रहने के लिए सीजीएल 2022 के प्री और मेंस के सारे पेपर दिया। उसको एनालाइज करना मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है मॉक देना। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे पूछ रहा है कि जैसे पूछ रहा है कि अकेडमी अवार्ड 2005 में किसको मिला था, 2012 में किसको मिला था, ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। फिर मैं सोचा अच्छा ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया कि हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192। ठीक है, सबको पता है, आप में से 90% लोगों को पता होगा आंसर कि पृथ्वीराज चौहान थे वो। लेकिन ऑप्शन क्या दिया था? फर्स्ट ऑप्शन था पृथ्वीराज थर्ड, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन नहीं याद है मुझे, फोर्थ ऑप्शन था पृथ्वीराज फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको फंस गया। अब पृथ्वीराज थर्ड मारे या फर्स्ट मारे आपको पता नहीं है, क्योंकि ना ही आपने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में किसी किताब में पढ़ा है, और ना ही पृथ्वीराज फर्स्ट और सेकंड के बारे में किसी में पढ़ा है कि आप थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगा सके। फिर मैंने उस किताब को खोला और उस किताब का मेडिवियल हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया देखना। उसमें मुझे मेडिवियल हिस्ट्री के सेकेंड क्वेश्चन ही ये मिल गया कि हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192। ऑप्शन उसमें पहला पृथ्वीराज थर्ड है, दूसरा और तीसरा सेम ऑप्शन है, मतलब चारों ऑप्शन भी सेम है, चारों ऑप्शन के प्लेस भी सेम है, और इसका आंसर है पृथ्वीराज थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि भाई लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ से। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखने शुरू किए, जिसमें वो आपको बताया ना मैंने कि 2012 में कौन जीत किसको मिला था अवार्ड, 2006 में किसको क्या मिला था, ये सारे क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉपी पेस्टेड हैं, कॉपी पेस्टेड मतलब उस किताब से कॉपी किया हुआ है और एग्जाम पेपर में पेस्ट कर दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो तगड़ी चीज़ है, आज से पहले इस किताब के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की और इसी किताब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलिए, आपको मैं बताना नहीं चाहता था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस किताब का नाम है, मैं दिखा देता हूँ, लूसेंट। और लूसेंट, फिर से आपने यहाँ गलती कर दी, लूसेंट सब्जेक्टिव नहीं है वो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब। इसमें क्या है ना, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं यूपीपीएससी के, यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के, एमपीएससी के, जितने स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। कभी 2002 में आया है, कभी 2008 में आया कोई क्वेश्चन, यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस का है, बिहार पीसीएस का है, तमिलनाडु पीसीएस का है, मध्य प्रदेश पीसीएस का है, एसएससी के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसमें कंपाइल्ड है चैप्टर वाइज। और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे यहाँ से दिखाई दिए सीजीएल 2022 के प्री में और मेंस में। तो आप आगे देख लीजिए क्या करना है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करो कि तुम्हारा क्या, या कमेंट करिए कि आपका क्या स्टैंड है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, और क्या आपको, और कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या आपके पास ये किताब है। चलता हूँ, जय हिंद।